हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर आज हम लेकर आए हैं द हुड का ओरिजिन। इसमें हम देखेंगे उसकी बैक स्टोरी, ओरिजिन और उसकी पावर्स के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बता दें कि द हुड का असली नाम है पार्कर रॉबिन्स और उसके पिता काम करते थे किंग पिन के साथ जब वो छोटा था, और वो विटनेस बना डेयर डेविल और इलेक्ट्रो के फाइट का, जिस फाइट ने उसके यंग अडल्ट हुड पर बहुत गहरा असर डाला। जब पार्कर के पिता मर गए तो उसकी माँ भी करीब करीब हॉस्पिटलाइज हो गई, और जब पार्कर उसे मिलने गया तब उसने उसे यह बताया कि वो एक अच्छी जॉब कर रहा है और वो खुद को एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि वो अपनी लाइफ क्रिमिनल के साथ बिता रहा था, जहाँ पर वो अलग अलग तरीकों से चोरी करता था और बाकी मुजरिमों से मिलता रहता था। इसी दौरान उसका एक कज़न और बेस्ट फ्रेंड था जिसका नाम था जॉन किंग। वो एक रिकवरिंग एल्कोहलिक था। उसी ने रॉबिन को एक जॉब दिया एक वेयरहाउस में, जहाँ पर बहुत ही कीमती सामान रखा जाता था। रॉबिन ने वो जॉब एक्सेप्ट कर लिया। उस वेयरहाउस में, जो कि छोड़ा हुआ था, रॉबिन ने एक जादुई अनुष्ठान किया और उसी के दौरान उसकी मुठभेड़ हुई निशांति डीमन से। रॉबिन ने उसे शूट करके उसे वहीं पर मार दिया और उसके हुड और बूट्स चुरा लिए उसे पैसे छोड़कर, और बाहर जाकर उसकी मुठभेड़ हुई एक गैंग के साथ जिन्हें वो बूट चाहिए थे। उनकी तरफ वो बूट फेंक कर भाग रहा था, तभी उसका पैर डीमन के बूट पर पड़ जाता है और वो उसकी पावर से उड़ने लगता है। वहाँ से छूटने के बाद उसने ये बात जॉन किंग से कही, और उसने ट्राई किया हुड के साथ खुद को इनविजिबल करना और वो हो गया। ऐसा तब होता जब वो अपनी ब्रीथ होल्ड करके रखता, और इसी पावर्स के साथ उसने काफ़ी सारी चोरियाँ की। तब जॉन ने उससे ब्लड डायमंड के शिपमेंट को चुराने के बारे में पूछा, जिसकी जिम्मेदारी दी गई थी डेनिस कोलम्बोस्की को, जो कि गोलैम था। उसने हायर किया था कॉन्स्ट्रिक्टर जैको लैंटर और शॉकर को इस काम के लिए, ताकि वो अपनी डिलीवरी इंश्योर कर सके। ये सब जानने के बाद रॉबिन ने एक टीम बिल्ड की और उसने वो शिपमेंट आधा चुरा लिया, और जब वो किंग से मिलने गया तब उसकी मुठभेड़ हुई दो पुलिस ऑफिसर्स के साथ, जिसमें से एक को रॉबिन ने और एक को किंग ने मार दिया। इस दौरान रॉबिन भाग गया, लेकिन किंग रॉबिन का इल्जाम अपने सर पर लेकर वही रुका रहा, और इस वजह से रॉबिन को ना मिला द हुड। रॉबिन ने एक प्लान बनाया किंग को बाहर निकालने का, और उसने वो डायमंड्स किंग के लॉयर को फी के तौर पर देने का फैसला किया, लेकिन शॉकर उसे लेकर भाग गया। और शॉकर को हराने के बाद उसे पता चला गोलैम और रिपेयर के बारे में, जहाँ पर उसने उससे कहा कि वो डायमंड रिटर्नर फी के एक्सचेंज में दे देगा, जिस पर गोलैम मान गया और उसने रिपेयर को उसके साथ भेज दिया। और इस इंस्ट्रक्शन के साथ उसे हुड के साथ भेजा गया कि डील हो जाने के बाद पार्कर को मार देना। हुड को ये सब पता था, इसलिए उसने एक वैसा ही दिखने वाला क्लॉक खरीद लिया और रॉबिन ने एक इवेंट सेट किया। इसी दौरान रिपेयर की मुठभेड़ हुई FBI वालों से, जहाँ पर उसने वो नकली क्लॉक पहन लिया और वो मारी गई। पार्कर ने लिविंग इन्फोर्सर से कहकर गोलैम से ये कहलवाया कि डायमंड देने के बाद उसे छोड़ दे, और वो किसी भी वुमन को शूट करके कोई मुसीबत नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने किंग को कन्विंस करके ये कहलवाया कि वो यानी कि हुड एक फीमेल है, और उसे छोड़ दिया गया। जब रॉबिन अपनी माँ से दोबारा मिलने गया तब उसने माँ को बताया कि उसने फिर से लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है और उसे उस पर नाज है। इसी दौरान गोलैम अपनी फैमिली के फोटोग्राफ देखकर ये कसम खाता है कि वो हुड के साथ ऐसा करेगा भी नहीं। लेकिन जिस पुलिस ऑफिसर को किंग ने शूट किया था, जो कि कोमा में मर गया, उसकी पत्नी ने व्हाइट फैंग बनकर ये कसम खाई कि उसे नहीं छोड़ेगी, और उसे यकीन नहीं हुआ कि हुड मर चुका है। इसी दौरान निशांति वापस आ चुका था, क्योंकि किंग ने रॉबरी करते वक्त उसका नाम लिया था। तो यह था ओरिजिन और बाकी की डिटेल्स। तो अब बात करते हैं उसके पावर्स की। उसकी पावर्स और एबिलिटीज में से एक है करंट टेक्नोलॉजी। हुड टैलेंटेड है फायरआर्म्स और बहुत सारे क्रिमिनल एंटरप्राइजेस में, जिसमें से हाइड्रा और एम दोनों टेक्नोलॉजीज वो इस्तेमाल कर चुका है, और कुछ इन्फिनिटी जेम पावर्स भी वो इस्तेमाल कर चुका है। जब हुड के पास इन्फिनिटी गनलेट था तो उसने इन्फिनिटी जेम्स की पावर इस्तेमाल की थी, जैसे कि रियलिटी के येलो जेम के साथ वो अपनी सारी विशेष पूरी कर सकता था रियलिटी चेंज करके, जैसा कि उसने किया द थिंग के साथ। बैक्स्टर बिल्डिंग का फ्लोर वाटर में तब्दील कर दिया और थिंग को उसमें डिस्पैच कर दिया। ब्लू जेम ऑफ माइंड के साथ उसे
बहुत सारी साइकिक और टेलीपैथिक पावर्स मिली जो सफिशियंट थी प्रोफेसर एक्स को मेंटल कॉम्बैक्ट में हराने के लिए। पर्पल जेम ऑफ स्पेस के साथ वो किसी भी जगह पर एग्जिस्ट कर सकता था, किसी भी जगह पर जा सकता था और साथ ही किसी भी चीज़ या आदमी को वहाँ पर टेलीपोर्ट कर सकता था। रेड जेम ऑफ पावर के साथ उसके पास इतनी पावर आ चुकी थी कि वो एक पंच में रेड हल्क को हरा सकता था और वो उस जेम्स का इस्तेमाल ये सेंस करने के लिए करता था कि इन्फिनिटी जेम्स कहाँ पर है। डोरमामू रिलेटेड पावर्स। मिस्टिकल बूट्स और क्लॉक पार्कर को एक सुपर ह्यूमन एबिलिटी प्रोवाइड करते थे। जब वो बूट्स पहनता तो वो हवा में चल सकता था और जब वो क्लॉक पहन के अपनी सांस रोकता तो वो इनविजिबल होता था। रॉबिन को ये भी पता चला कि वो क्लॉक के साथ वो इल्यूजन प्रोटेक्टेड डॉक्टर स्ट्रेंज का हेडक्वार्टर देख सकता है। जब स्क्रल का इन्वेंशन हुआ तब उसे ये पता चला कि पार्कर डिटेक्ट कर सकता है स्क्रल्स को उनके असली चेहरे के साथ, जैसा कि डॉक्टर स्ट्रेंज और प्रोफेसर एक्स करते हैं। रॉबिन के पास ये भी एबिलिटी थी कि वो एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो सकता था और उसके साथ उसे फिजिकल स्ट्रेंथ और स्पीड मिल जाती थी जो कि वुल्वरिन को 1-to-1 कॉम्बैट में हराने के लिए काफ़ी थी। उस फॉर्म में उसकी आवाज़ चेंज हो जाती, उसके हाथों से स्पाइक्स निकल आते और उसी के साथ उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी फायर करने की पावर्स भी मिल जाती। डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से उसकी पावर उसे मार सकती थी जब निशांति कंज्यूम कर लेता उसके माइंड बॉडी और सोल को। इसके साथ उसे यह भी पता चला कि हुड की मिस्टिकल पावर्स आती है डोरमामू के पास से, जिस वजह से वो डेड से भी रिजरेक्ट कर सकता है। तो ये था ओरिजिन वीडियो द हुड का, और अगर आपके पास इसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन है तो हमें कमेंट करें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसा ना भी करें तो भी सजेशन करें हमारे डेवलपमेंट के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।